नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में भविष्य निधि कर्मचारी हड़ताल पर। चोरों का आतंक जारी, सीताराम डेरा में मिठाई दुकान का ताला तोड़कर किया हाथ साफ। बर्मा माइन से 17 वर्षीय युवक 12 दिनों से लापता, परिजनों ने लगाई गुहार। और अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भी यातायात नियमों का अनुपालन अनिवार्य। अब एक आवश्यक सूचना। न्यूज टाइम्स में न्यूज रीडर की आवश्यकता है। 21 से 30 साल की युवतियां आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए हिंदी का धारा प्रवाह और शुद्ध उच्चारण जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार न्यूज टाइम्स के कार्यालय में फोटो सहित बायोडेटा दे सकते हैं। अब खबरें विस्तार से। भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। इधर बुधवार सुबह से ही जमशेदपुर भविष्य निधि कार्यालय के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और खुद को कामकाज से दूर रखा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी 8 सूत्री मांगों को नहीं माना जाता, वे आंदोलन जारी रखेंगे। इनके हड़ताल पर चले जाने से भविष्य निधि कार्यालय में सभी कामकाज ठप हो गए हैं और यहाँ आए लोग काफी परेशान नजर आए। स्टाफ यूनियन जिंदाबाद, मतलब स्टाफ यूनियन जिंदाबाद। अब सच्चाई नहीं चलेगी। हमारी मांग ये है, ये देशव्यापी जो है हड़ताल, आज का जो है एक दिन का हड़ताल किया जा रहा है। हमारे केंद्रीय जो सेंट्रल ऑफिस में जो हमारे ऑफिसर हैं, उनसे हमारी जो है मांग की जा रही है कि आप हमारे जो सचिव हैं, केंद्रीय स्तर के सचिव हैं, आप उनके डिमांड पर जो है अपना जो है ध्यान दें। और हमारी जो मांगे हैं, जिसमें कि मेनली हमारा कैडर रीस्ट्रक्चरिंग का है, जिसमें कि ऑफिसर लोगों को, ग्रुप ए एंड एवव ऑफिसर को जो है बेनिफिट मिल चुका है, तो हम गरीब जो कर्मचारी हैं उनको आप जो है बेनिफिट से क्यों जो है वंचित कर रहे हैं। आप हमारी डिमांड को जो है पर ध्यान दें। शहर में चोरों का आतंक जारी है, लोग भयाक्रांत हैं। बीती रात एक मिठाई दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने हाथ साफ किया। शहर में इन दिनों चोरों का आतंक जारी है, लोग बाग परेशान हैं। पुलिस प्रशासन मुखदर्शक है। बीती रात सीताराम डेरा स्थित अभिनंदन स्वीट्स का ताला तोड़कर चोरों ने दुकान में रखे 22,000 नकद चुरा लिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। बालूबस्ता अभिनंदन स्वीट्स में कल रात को चोरी हुआ। चोरी का घटना सुबह पता चला जब हम लोग दुकान खोलने आए थे। दुकान खोलने के क्रम में जब चाबी घुसाने का देख रहे तो देख रहे दराज उधर सटा हुआ, लेकिन पूरा लॉक अभी तक टूटा हुआ। पैसा एक भी नहीं था, जबकि रात को हम लोग पैसा कुछ छोड़ के जाते हैं दूसरे दिन दुकानदारी के लिए। तो पूरा पैसा मिला के हम लोग का 22,000 रुपये जो कल रात को पापा छोड़ के गए थे, वो पैसा हम लोग का पूरा का पूरा चोर के हाथों। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के बाबा कुटी के रहने वाले 17 वर्षीय लखी सिंह गत 16 अगस्त से रहस्यमय ढंग से गायब है। परिजनों ने थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की है, मगर थाना को सुस्त देखते हुए गुमशुदा लखी के परिजन और बस्तीवासी बुधवार को पुलिस कप्तान के पास पहुंचे। उनके साथ भाजपा नेता विमल बैठा भी मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अब सड़क सुरक्षा नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के साथ यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जमशेदपुर मुख्यालय में भी आदेश पारित कर दिया गया है। सरकार का भी आदेश आया है, राज्य सरकार का भी, कि जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिनकी गाड़ियां चल रही हैं उनके ड्राइवर को भी सेफ्टी बेल्ट यूज करना है
और जितने हमारे कर्मी आते हैं स्कूटर या मोटरसाइकिल से वो बिना हेलमेट के नहीं आएंगे। अगर बिना हेलमेट के आते हैं तो उनकी गाड़ी को तुरंत वहाँ रोक कर उन पर कार्यवाही करने का निर्देश है। सिविल सर्जन कार्यालय में बुधवार को शहर के तमाम वैक्सीन हैंडलर्स की बैठक का आयोजन किया गया। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को दिए जाने वाले वैक्सीन, जिन्हें हम टीकाकरण भी कहते हैं, इन वैक्सीन के रखरखाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। आमतौर पर इन वैक्सीन को 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तापमान में रखा जाता है। सभी वैक्सीन हैंडलर्स को इनकी रखरखाव की नई तकनीकों की जानकारी भी दी गई। डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड चेन हैंडलर्स की एक बैठक है, जिसमें वैक्सीन के रखरखाव हेतु कोल्ड चेन का रहना, सुदृढ़ कर रहना एक महत्वपूर्ण चीज है। खास करके मेरी सारी वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द बेनिफिशरी, जहाँ तक कि अंतिम में जो मरीजों को दी जाती है उसमें उसका वैक्सीन का महत्वपूर्ण कड़ी है। और उसी ट्रेनिंग की कड़ी में आज हम लोग इसको ट्रेनिंग देने के लिए लोगों को बुलाए। पहला EVN version 1 चल रहा था, एक टूल है EVN जो टेम्परेचर रियल टाइम मॉनिटरिंग करते रहता है, और उस टेम्परेचर को स्टेट में या दिल्ली में कहीं भी एप्स पे देख सकते हैं। चांडिल के कुकुर प्रखंड में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सरायकेला खरसवा द्वारा विकास मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिला परिषद के उपाध्यक्ष अशोक साव, BDO गिरजा शंकर महतो और CDPO अंजना कुमारी ने किया। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है और लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सक रहे हैं। इस मेले के माध्यम से लोगों तक योजनाओं के विषय में जानकारी दी जा रही है। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा कुल 21 स्टॉल्स लगाए गए हैं। आज तक इसके पूर्व इस तरह का मेला का आयोजन प्रखंड स्तर में नहीं हुआ था, और जिस तरह इस मेला का आयोजन हुआ इसमें काफी जनताओं का लाभ हुआ, जागरूक हुआ और अपना हक और अधिकार लेने के लिए उनको जानकारी मिला। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत जिले के 66 बुजुर्ग ईसाई धर्मावलंबियों को कोलकाता स्थित बेंडल चर्च दर्शन के लिए भेजा गया है। पूर्व आरंभ की इस योजना के बुजुर्गों को निशुल्क तीर्थ दर्शन कराया जाता है। इस बार इस योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के 66 ईसाई बुजुर्गों को कोलकाता स्थित बेंडल चर्च दर्शन हेतु भेजा गया है। DDC बी महेश्वरी ने बुधवार को उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले साल से ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आरंभ किया गया है, जिसके तहत लास्ट ईयर भी काफ़ी बुजुर्ग 60 से ऊपर वालों को हम सरकार की ओर से तीर्थ के दर्शन के लिए भेजा गया था, और इस बार भी पिछले महीने सिखों को जाने का था लेकिन थोड़ी संख्या कम होने के कारण हमारे सिख के बुजुर्ग लोग नहीं जा पाए थे और ट्रेन नहीं खुल पाई थी, लेकिन इस बार 28 तारीख आज है तो क्रिश्चियंस हमारे ईसाई धर्मावलंबी जितने भी हैं गरीब और 60 वर्ष से ऊपर वाले, उन लोगों को मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना के तहत तीर्थ दर्शन हेतु कलकत्ता के बैंडल चर्च की ओर रवाना किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष ने सिविल सर्जन से मुलाकात की। रुक रुक कर हो रही बारिश के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में और निचले इलाकों में जल जमाव की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे मच्छर जनित रोगों की आशंका बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं के निजात को लेकर सिविल सर्जन से पहल की अपील की गई है। यहाँ ये है कि बारिश की वजह से जो पानी गिर रही है और पानी जमा हो रही है हमारे जमशेदपुर में और ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके लिए हम मच्छर को ये करने के लिए भगाने के लिए हम लोग यहाँ पे मांग देने आए हैं ब्लीचिंग पाउडर का और एंटी लावा का। बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं मच्छरों के काटने से। सरायकेला खरसवा जिले के धतकीडी गांव में भूमि विवाद को लेकर चचेरे भाइयों ने गोविंद मंडल नामक व्यक्ति को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है।
क्या नाम है इनका? दादी कहाँ रहते हैं? क्या वो सूचना मिली आप लोगों को, क्या देखा आपने बताइए? अरे भाई हमको कुछ जानकारी नहीं, जब हम गया वो बेहोश पड़ा हुआ था। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। शानदार इंटीरियर, बेहतरीन डिजाइन, हर तरह की सुविधाओं से लैस थ्री बी एच के फ्लैट के प्रत्येक बुकिंग पर 5 लाख का डिस्काउंट एवं 3 AC फ्री विथ पार्किंग। तो फिर इंतजार किस बात का, आज ही कॉन्टैक्ट करें ER Constructions, गोलमुरी नियर गुरुद्वारा जमशेदपुर, कॉन्टैक्ट 9934968090, 9507308272। युवा कर्मठ और जुझारू नेता शंभू चौधरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनता की आवाज बनकर उनको हक दिलाना, गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शंभू चौधरी को लोग भविष्य का प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। मानगो नगर निगम घोषित करने को लेकर शंभू चौधरी ने जोरदार आंदोलन की शुरुआत की थी, साथ ही मानगो की अंचल बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उतना ही नहीं, सैकड़ों गरीबों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में शंभू चौधरी ने दिन रात मेहनत की। गरीब गुरुओं की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहने वाले इस युवा और हर दिल अजीज नेता के लिए हर राजनीतिक दलों के दरवाजे खुले हैं, पर इन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनाया। मानगो क्षेत्र की जनता के लिए लगातार संघर्ष करने वाले शंभू चौधरी ने अपना अलग मुकाम बनाया है और क्षेत्र की जनता को उन पर अटूट विश्वास है। फिलहाल मानगो में नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर शंभू चौधरी आंदोलनरत है। बहरहाल हर दिल अजीज और जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाले ऐसे जुझारू युवा नेता की जरूरत लोगों को है, जो उनकी आवाज बनकर उचित फोरम में उठा सके और लोगों को न्याय दिला सके। मानगो क्षेत्र की जनता को शंभू चौधरी से काफी उम्मीदें हैं और शंभू चौधरी में इन उम्मीदों पर खरा उतरने का जज्बा भी है। गायत्री शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन अनुशासन के साथ पठन पाठन में अव्वल, हर वर्ष 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड, वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, नर्सरी से प्लस टू तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित। गायत्री शिक्षा निकेतन के संस्थापक से चेयरमैन योगेंद्र प्रसाद यादव ने 1993 को मात्र 7 बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत की। उनकी मेहनत, लगन और लोगों के विश्वास से स्कूल पूरे राज्य में अव्वल। गायत्री शिक्षा निकेतन, रोड नंबर 4, आदित्यपुर 2, नियर 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, फोन 0657। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं, आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड।
नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। अर्जुन स्टोर पेश करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। कॉस्मेटिक व अन्य घरेलू सामानों के अलावा यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए जूते चप्पलों के साथ रेडीमेड कपड़े भी उपलब्ध हैं। नवरात्र के मौके पर एक ही छत के नीचे वो भी किफायती मूल्य पर। फिलहाल यहाँ कपड़ों व जूतों पर 20-25% तक की छूट भी दी जा रही है। सुपीरियर क्वालिटी सही माप के साथ अर्जुन स्टोर सुपीरियर लाइफस्टाइल एसी शॉप। स्टेप इन टू द मेट्रो लाइफस्टाइल। ले सकते हैं मजा सेल्फ सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। वर्ल्ड इज चेंजिंग, ऑब्वियसली वी हैव टू चेंज फास्टर अहेड। बदल दे आपके भाग दौड़ भरी जिंदगी को अर्जुन स्टोर कंप्लीट सॉल्यूशन। यही है समय की मांग। ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, शैम्पू, सोप, डीओ, बिस्किट्स एंड ऑल पैकेज्ड आइटम। अर्जुन स्टोर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स फॉर होम अप्लायंसेस। 3 किलोमीटर तक होम डिलीवरी भी की जाती है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ऑल्सो एक्सेप्टेड। अर्जुन स्टोर श्री मंगल टार 16 मेन रोड कदमा मार्केट नियर बीना पानी नर्सिंग होम। कॉन्टैक्ट 0657-230-5485 एंड 9835-1717-55। सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर। रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडर गारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
चेन्नई बाजार हाउस नंबर 234 ए ब्लॉक अपोजिट एमबी ज्वेलर्स मेन रोड सोनाई कॉन्टैक्ट 9334617289 9304249768 अगर एक सुंदर सुसज्जित घर की कल्पना हम करें तो सबसे पहले हमें किसका ख्याल आता है? जी हाँ दोस्तों, यकीनन उस घर का खूबसूरत फर्नीचर ही हमें सबसे पहले लुभाता है। तो घर की खूबसूरती का ये ऑल टाइम सुपरहिट कल्चर आप भी अपनाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी के बेहतरीन फर्नीचर्स के लिए शर्मा फर्नीचर में आज ही चले आइए। एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगों तथा डिजाइनों वाले सोफों की शानदार चॉइस हो या फिर आपकी पसंद के अनुरूप मजबूत टिकाऊ और आरामदायक बेड्स की आपकी फरमाइश हो, चाहे हो नए जमाने की सुविधा संपन्न और मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल या फिर पूरे परिवार की मजेदार डाइनिंग के लिए सुंदर डाइनिंग टेबल, बेहतरीन कारीगरी के सांचे में ढला यहाँ का हर आइटम और बनावट की लाजवाब खूबसूरती यहाँ के हर सेट पर। पूरे विश्वास के साथ ले जाएं आप अपनी पसंद का कोई भी फर्नीचर। जी हाँ, होलसेल रेट पर। पारंपरिक डिजाइन हो या फिर नए जमाने का चलन, डोमेस्टिक फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, स्मार्ट फर्नीचर और मॉड्यूलर किचन, आपकी संतुष्टि ही हमारी सेवा की गुणवत्ता। पाए होम डिलीवरी और मनचाहे फाइनेंस की भी पूरी सुविधा। अब हमारे प्रिय ग्राहकों के लिए एक बड़ा ही अद्भुत ऑफर बिल्कुल अलबेला। हर रविवार आपके लिए लोन मेला, क्योंकि आपके घर की खूबसूरती का ध्यान हम रखते हैं। शर्मा फर्नीचर, हम रिश्तों का पूरा सम्मान करते हैं। शर्मा फर्नीचर, प्लाजा मार्केट के सामने, टेलको जमशेदपुर। फोन 9102374035। गौसे आजम आयुर्वेदिक दवा खाना, सुनारी मस्जिद रोड, नौशाद रजा। स्पेशल इन सेक्सुअल डिजीजेस, हर तरह के रोगों का अचूक इलाज। निसंतान पति पत्नी अवश्य मिले। जड़ी बूटियों से 100% औलाद की गारंटी। इसके अलावा हर तरह के रोगों का शर्तिया इलाज। 1000 से ज्यादा लकवाग्रस्त रोगी तंदुरुस्त हुए। मैं यहाँ 20 साल से हिकमत कर रहा हूँ, सुनारी खुंटा भी मस्जिद झारखंड में है ना, और हमारे यहाँ से सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग कामयाब हुए हैं। ख़ास करके मैं सेक्स से ताल्लुक सभी बीमारियों का इलाज करता हूँ। उसके अलावा औलाद के लिए तो हमारे पास बहुत सारे स्टेट से लोग आते हैं। जैसे नौशाद रजा, स्पेशलिस्ट इन सेक्सुअल डिजीज, एड्रेस खुंटा डी मस्जिद, सुनारी जमशेदपुर। और खास करके पति पत्नी जो औलाद के इच्छुक हैं, जब किसी भी सब तरह का समस्या हो, कीटाणु ना हो या बिल्कुल खत्म हो गया हो, वो सबका कामयाब ग्रांटेड इलाज किया। टाइम 10:30 AM टू 12:30 PM एंड इवनिंग टाइम 5 PM टू 9 PM। कॉन्टैक्ट 9934185192। जिसको स्कूल साउथ पार्क में आयोजित कॉमर्स फेस्ट में 20 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य है खासकर कॉमर्स के बच्चों का स्किल डेवलप हो सके। कार्यक्रम में कुल 9 रखे गए थे जिनमें बच्चों ने चढ़ कर लिया। हिंदी फिल्मों के जाने माने पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश की याद में आज संस्था द्वारा स्मृति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने सदाबहार गीतों को पेश किया। Thank you.
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।